नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रंग दे बसंती में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हाल ही में एक मुस्लिम दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपील की है कि मस्जिदों में मुस्लिम औरतों के दाखिल होने और मस्जिद में मर्दों के साथ एक ही जगह पर नमाज पढ़ने का आदेश दिया जाए। पुणे के इस मुस्लिम दंपत्ति के मुताबिक उन्हें एक मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली इस खंडपीठ ने इस मुस्लिम दंपत्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम दंपत्ति से कहा है कि हम आपकी याचिका पर सबरीमाला पर हमारे फैसले की वजह से सुनवाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस्लाम धर्म के अनुसार औरतों के मस्जिद में दाखिल होने पर कुरान के हिसाब से कोई रोक नहीं है। शिया, बोहरा और खोजा मतों के मानने वाली मुस्लिम औरतों को मस्जिद में आराम से दाखिल होने और नमाज पढ़ने की अनुमति है, और वे वहीं पे इस्लाम के सुन्नी मत को मानने वालों में कई लोग ऐसे हैं जो औरतों का मस्जिद में जाना ठीक नहीं समझते, इसलिए सुन्नी मस्जिदों में औरतों के दाखिल होने पर आमतौर पर मनाही रहती है। हालांकि दक्षिण भारत में कई सुन्नी मस्जिदों में औरतों का जाना आम बात है। यह बात का जिक्र भी कर दें कि जिन मस्जिदों में औरतें जा सकती हैं, वहां भी औरत और मर्दों के लिए नमाज के लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है। इन याचिकाकर्ताओं ने केरल के सबरीमाला मंदिर में औरतों के जाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मक्का मदीना में भी औरतों और मर्दों को एक साथ काबा की परिक्रमा की इजाजत मिलती है। ऐसे में भारत में मस्जिदों में उन्हें मर्दों के साथ अलग हिस्से में रखना गलत है। याचिकाकर्ताओं ने इसे भारतीय संविधान के तहत दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।